अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि अमेज़न के ऊपर जो है सेल्स कैसे इंक्रीज करें, सेल्स को इंक्रीज करने का क्या तरीका कार है, किस तरह हम कंपटीशन में आके या कंपटीशन ना करके सेल्स को कुछ किसी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ दो दिन पहले मैंने एक दो वीडियोस भी अपडेट की थी कि हाउ टू एवेल्युएट कंपटीशन, इसमें ये एक वीडियो पड़ी हुई है। दूसरी चीज़ मुझे आपको ये आप लोगों को ये बतानी थी कि आप लोग फाइव डेज पेड वर्कशॉप अमेज़न घंटे फाइव डेज पाँच दिन अमेज़न आपको सिखाया जाएगा और उसके बाद आपको लाइफ टाइम स्पॉट रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है वो इसको कर सकते हो। दूसरी चीज़ हम अगर कंपटीशन की बात करें अब, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक दो प्रोडक्ट्स निकाले हुए थे, जस्ट मैंने ऐसे ही ब्रांड्स को और प्रोडक्ट को सर्च करा था मैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले कोई कैटेगरी सिलेक्ट की और उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑल सिलेक्ट किया। तो जब मैंने ऑल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे वो जो मैंने कीवर्ड्स कुछ सर्च किए हुए हैं या मैंने कुछ ब्रांड सर्च किए हुए हैं तो वो मुझे ऑल कैटेगरीज उनकी दिखा रहा है। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं था ये, इसको थोड़ी देरी हुई है ये स्टार्ट हुआ है अमेज़न के ऊपर। तो दूसरी चीज़ इसमें ये है कि मैंने कीवर्ड निकाल लिया, मैंने इसको देख लिया, तो मैंने ये प्रोडक्ट निकाली। अभी इस प्रोडक्ट के ऊपर आप देखो, मैंने बाउल लिखा और बाउल लिख के मैंने सर्च कर ली प्रोडक्ट, ये मेरे सामने पहले पेज के ऊपर बाउल्स आ गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो अब ये जो बाउल्स आए हैं, ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हो कि ये भी स्पॉन्सर्ड चल रही है, ये प्रोडक्ट जो ऊपर है ये भी स्पॉन्सर्ड चल रही है, जो ऊपर चार है। उसके बाद हम नीचे देख लें कि स्पॉन्सर्ड चल रही है या नहीं चल रही, नीचे भी चल रही है स्पॉन्सर्ड, अच्छा। और इसके अलावा और देख लें हम लोग, अच्छा ये सबसे लास्ट पे भी है। तो एक्चुअली जब आप इस पीपीसी की गेम में जाते हो तो पीपीसी में क्या होता है, जो सेलर, एक मैंने कीवर्ड लिखा बाउल्स, तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो सेलर सबसे ज्यादा बिड करेगा उसको पहला रैंक मिलेगा। अब ये जो कनोर शो हो रहा है ये एक्चुअली बाउल्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मे भी कहीं ना कहीं इसका सेलर जो है वो इस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है या मे भी वो इस कैटेगरी को टारगेट कर रहा हो, वी डोंट नो। तो इस वजह से ये कीवर्ड यहाँ पे, प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है जी। अब इससे हमने करना क्या है, अब ये आपने डिपेंड करना है, आप पे डिपेंड करता है, आपने डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा रैंक चाहिए। आप पहले चार रैंक पे भी खेल सकते हो, आप सेंटर में भी खेल सकते हो, सेंटर वाले जो रैंक हैं, और आप लास्ट रैंक पे भी खेल सकते हो, लास्ट पेज, पेज के लास्ट रैंक। तो इसमें ये चीज है, मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले रैंक के ऊपर रहने की कोशिश करें। उसकी रीजन ये है क्योंकि ज्यादा शॉपिंग होती है मोबाइल से। तो अब पहले पेज को आप देखें, अब पहले पेज के ऊपर आपको कितनी प्रोडक्ट्स नजर आती हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर अगर आप काउंट करो तो तकरीबन 48 प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही होती हैं। अगर आप जो है इसको मोबाइल से देखोगे तो आपको इतनी सेलर्स, इतनी प्रोडक्ट्स नजर नहीं आएंगी, ठीक है, यही 10-12 इस हद तक नजर आएंगी आपको, अच्छा। उसके बाद आप कोशिश करें कि अब ये देखिए आप, अब ये 80 का सेल कर रहा है, सॉरी ये 50 या 60 का सेल कर रहा है। अब ये तो है ये एक तरह से बाउल लिया, लेकिन वो साथ में उसने उसका वेट करने वाला भी दे दिया ना, तो इस ये भी इसको टारगेट कर रहा है यहाँ पे एक तरह से। ये अब 60 का दे रहा है, ये भी 60 का दे रहा है, और ये 84 का दे रहा है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। तो या तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे ये कंपेटिटर हैं, मैंने इसको टारगेट करना है तो मेरी ये प्राइस होनी चाहिए, फिर आप उसको ही टारगेट करते हो, या आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर मार्केट में जा रहा हूँ तो मेरी सेल जो, मेरी प्राइस जो है वो लोअर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस है, सब प्रोडक्ट सारी डिफरेंस है, डिफरेंट है, आप देख सकते हो। ये
ये जो है ये एक तरह से ग्लास बाउल्स हैं, और इसको आप देखो अनब्रेकेबल स्ट्रॉ बाउल्स कुछ इस तरह करके ये कह रहा है, लाइट वेट बाउल, इको फ्रेंडली, कुछ शायद कुछ हो सकता है सिलिकॉन के हो, या हो सकता है प्लास्टिक टाइप के, जो भी है खैर। तो अब इसमें और इसमें दोनों में फर्क है, ठीक है। अब ये 4 पीस दे रहा है, ये 12 पीस दे रहा है, ये ग्लास के दे रहा है, इसकी क्वालिटी डिफरेंट है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। इसके रिव्यूज 711 है। अब इसके रिव्यूज ये जो हैं, ये मे भी ये किसी और मार्केट में सेल कर रहा हो, यूके यूएस में सेल कर रहा हो, तो वहां से सेल ग्लोबली करके इधर आया हो, या वहां यहाँ पे इसने लिस्टिंग क्रिएट की हो। तो यूएई के अंदर रिव्यूज, क्योंकि रिव्यूज मर्ज हो गए हैं, इंटरनेशनल रिव्यूज मर्ज हो गए हैं, जिसकी वजह से रिव्यूज का थोड़ा सा है प्रॉब्लम। बट आप इसकी सेल को मैनुअल ही ट्रैक करोगे, इसका आइडिया लेने के लिए बीएसआर को डेफिनेटली आप ट्रैक करोगे, अगर स्टोर पे लिमिट लगी हुई है तो, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आप इसका ट्रैकिंग, हाउ टू ट्रैक प्रोडक्ट्स विद 999 कार्ट मेथड, ये यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप इसको देख सकते हो। फिर उसके बाद आप ट्रेडमार्क कैसे चेक कर सकते हो, वो यहाँ पे पड़ी हुई है प्रोडक्ट, सॉरी वीडियो। तो अब यहाँ पे सेल इंक्रीज करने का क्या, किस तरह आप कर सकते हो, या तो फिर डिफरेंस लेके आओ प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब ये 4 बाउल दे रहा है, तो उसको तो ये दे भी 60 रख कर रहा है। अब जिसने इसकी प्रोडक्ट को लेना है उसने तो 60 की ले लेना है, लेकिन ये उस जगह में उस हवाले से ये 60 जो है ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए है वो 12 बाउल्स दे रहा है, भले वो ग्लास के हैं लेकिन 60 दरहम में दे रहा है, और ये भी 60 में ही दे रहा है तकरीबन, लेकिन वो 4 है, अनब्रेकेबल है। तो इसमें ये चीज प्राइस बड़ा मैटर करती है, और इसकी रेटिंग इस टाइम क्या है 4.3, और इसकी रेटिंग क्या है 4.5, ठीक है। मैं इसका जस्ट ऐसी रैंडमली हम बीएसआर चेक कर लेते हैं, ये मुझे नई लिस्टिंग की लग रही है। जियो के अंदर तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, बहुत चीजें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स, आप यूएई के अंदर होलसेल, एफपीए, एफबीएम, आपको सब चलाना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए, एक चीज पे आप रिलाई नहीं कर सकते। अब इसका देखो 30,000 है, मतलब इसको सेल ही नहीं आ रही, और इसका 4,000 है, इसको भी कोई नहीं सेल आ रही, कोई सेल नहीं आ रही इसको भी। तो ये चीज है। अब वो जो सेलर है ये वाला, ये आई एम श्योर कि ये शायद बाहर किसी दूसरी से है, वो इधर यूएई में इसने किया है, सेलिंग स्टार्ट किया है, या फिर इसने अपनी लिस्टिंग को इधर लेके आया, तो उसके बाद इसने इसमें शायद स्टॉक नहीं डाला होगा, लिस्टिंग एक्टिव होगी, किसी ने पकड़ ली होगी, बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा, जो भी है, बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम कॉम्पिटिशन पे चलते हैं वापिस, तो उस चीज के हवाले से देखा जाए। अब ये देखो आप लोग, कुकी 12, ये आई थिंक ट्रेडमार्क है ये प्रोडक्ट, ये ट्रेडमार्क है ये जो ब्रांड है कुकी 12। तो अब ये प्रोडक्ट जो है, इसके 28 रिव्यूज हैं, ये 100 दरम की तकरीबन दे रहा है ये, और ये चीज जो है यहाँ पे इसके 1, 2, 3, 4, 5 बाउल है, और ये 86 की दे रहा है, और ये 32 की दे रहा है, लेकिन ये 6 बाउल्स है, और ये यहाँ पे 12 स्मॉल ग्लासेस, 12 पीसीस जो है वो उसको दे रहा है 60 में। तो अब ये यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कि ये बेस्ट सेलर जा रहा है, रिव्यूज इसके इंटरनेशनल ही हैं, ये 1815 रिव्यू इंटरनेशनल ही है, इट इज नॉट ओनली फ्रॉम यूएई। तो इसमें अब ये बेस्ट सेलर क्यों जा रहा है, देखो इसमें सबसे बड़ा जो इसका मैटर करती है ना, इसकी प्राइस मैटर कर रही है इस टाइम, और देखो इसको, सुभान अल्लाह। तो ये चीज है, अब यहाँ पे इसका 229 रैंक है, तो मतलब इसको डेली के कोई 5, 6, 7, 3, 4, 5 इतने ऑर्डर्स आ ही रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज इसमें बड़ा मैटर करती है। उसके बाद अगर आप देखो स्पॉन्सर्ड रैंक की बात करो, तो ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड में अगर आप, मैंने जैसे ही बोला आप इधर खेल लो, ऊपर खेल लो, नीचे आके इसको रैंक कर, पीपीसी पे चला दो, लेकिन टॉप पे ही रहना बेहतरी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस कंपटीशन में जा रहे हो, किस नीच में जा रहे हो, किस तरह आप उसको कर रहे हो। उसको करने के बाद ये भी बेस्ट सेलर जा रहा है, लेकिन ये बेस्ट सेलर क्यों जा रहा है, मुझे इस पर डाउट हो रहा है, इस पर कोई रिव्यू रेटिंग शो नहीं कर रहा, तो इसका रैंक भी 1300 है। खैर ये ऐसा ही है, अमेजोन के ऊपर आपकी 2 प्रोडक्ट्स, 3, 4 प्रोडक्ट्स एकदम से निकल जाए तो बेस्ट सेलर का आपको वो टैग मिल जाता है,
पॉपुलेशन कम है, रैंक उसी तरह से होता है फिर प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट रैंकिंग यहाँ पे मुश्किल नहीं है, प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी मुश्किल है यहाँ पे। स्टेबिलिटी इवन किसी भी मार्केट में मुश्किल होती है जब तक आपको सेल नहीं आ रही होती, तो आपको ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसमें आपको सेल आ रही हो। तो कंपटीशन के हवाले से यही चीज़ है, अगर आपके पास रिव्यूज नहीं है तो आप रिव्यूज लेके आए, प्राइस हाई है तो प्राइस लो करें, ठीक है। और ग्राफिक्स डेफिनेटली आपको उस पर अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। कॉन्टेंट पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, कंटेंट पे भी बात करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आपको नोट करने चाहिए जिसकी बेस पे आप जो है अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन अगर उस कैटेगरी में ही सेल नहीं आ रही, उस पूरी कैटेगरी की ही सेल नहीं आ रही, तो फिर आपको उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। बड़ी मार्केट हो तो और चीज़ है, छोटी मार्केट में आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।